अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टी आर जे कुक्स एंड रेमेडी। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो रिलेट करती है नकसीर गर्मियों में फूटती है और उसको कैसे हम कंट्रोल किया जाए और ये किस वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, साइनस हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या जिस किसी के दिमाग की रग वीक होती है उसको भी गर्मियों में या टेम्परेचर बढ़ने पर रग से ये फट जाती है और इससे खून बहने लगता है। छोटे बच्चे जो जिनकी रग कम वीक होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बार बार होती है। और बड़े लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है उनको भी ये प्रॉब्लम नकसीर की हो सकती है। तो आज मैं आपको अपनी सास की ये रेमेडी बताऊंगी, और बहुत से लोग उनसे आके पूछते थे और जब वो इसको बताती हैं तो बहुत से लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। ये बहुत ही एक्यूट रेमेडी है नकसीर के लिए, है बहुत से लोगों के, और उनको ये होता है कि जहाँ वो गर्मी में बाहर निकलते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो उनकी नाक से खून बहने लगता है, तो इसको हम नकसीर फूटना कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी जो ये रेमेडी है नकसीर फूटने के लिए, ये बहुत ही एक्यूट रेमेडी है, बहुत ही कारगर है, और अगर आप इसको प्रॉपरली कुछ दिन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और आइंदा आपकी नकसीर नहीं फूटेगी। इसके लिए दो इंग्रेडिएंट चाहिए, ये हरी सौंफ जो ईज़िली हमें अपने घर में मिल जाती है, और ये है मिश्री। मिश्री जो मार्केट में पीसेस में आती है वो मिश्री हमको नहीं लेना है, और ये वाली लेनी, धागे वाली मिश्री इसको बोलते हैं। ये वाली मिश्री जो है ये ज़्यादा यूज़फुल होती है, बेनिफिशियल होती है, और वो नहीं, अगर आपको वो मिल जाए वो भी यूज़ कर लें, लेकिन अगर ये मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, इसको हमने क्रश कर लिया है, और अब हमें लेना है पानी। ये देखिए, ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी है, और इसमें आपको 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप सौंफ डाल दीजिए इसमें, इसके साथ इसमें आपको डालना है 1.5 चम्मच की मिश्री। अच्छे से इसको घोल दीजिए, और अब हमें इसको रख देना है। अगर आप ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको ढक के रख दीजिए, और 3 से 4 घंटे के बाद अगर आप सौंफ खा सकते हो तो सौंफ के साथ पानी पी लीजिए, सौंफ चबा लीजिए, और अगर आपको सौंफ खाना नहीं अच्छा लगता है, नहीं पसंद है, तो आप इसको छान लीजिए। मिश्री तो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में, लेकिन सौंफ जो है वो थोड़ी सी फूल जाएगी, लेकिन वो आप जो है सौंफ का पानी छान के पी लीजिए या सौंफ के साथ पानी पी लीजिए। कुछ दिन आप इंशाल्लाह ये करिए, इससे जो आपकी नकसीर फूट जाती है गर्मियों में वो रुक जाएगी। थोड़े दिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेमेडी नकसीर की कैसी लगी, इसको यूज़ करिए और मुझे बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। फ्रेंड्स, मेरी जो ये रेमेडी है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मिश्री और सौंफ होती है, और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता है जो जिसका टेस्ट बिटर होता है। तो ये बच्चों के लिए और ओल्ड एज, हर एज के लिए ये रेमेडी मेरी बहुत ही बेनिफिशियल होती है।